गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। मैं आज ये वीडियो जो बना रही हूं, इसके अगले 2 घंटे के अंदर ही ये वीडियो आप देख लेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं बहुत कम ऐसा करती हूँ कि मैं कुछ शूट करती हूँ और उसी दिन अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि ये वीडियो आज के ही दिन यानी 16 अगस्त 2021 को ही शूट हो और उसी दिन ये अपलोड भी हो। आज का दिन काफ़ी मायनों में स्पेशल है। एक्चुअली 14, 15, 16 ये तीनों दिन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, और इनके स्पेशल होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि मैं आज के दिन पिछले साल नेदरलैंड्स आई थी, और बाहर अपने घर से दूर, अपने लोगों से दूर, अपने देश से दूर रहते हुए एक पूरा साल हो गया है। ऑफकोर्स मैं अपने हस्बैंड अपनी बच्ची के साथ हूँ, लेकिन फिर भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, अपनी जो कहना चाहिए दुनिया से बाहर निकल के रहते हुए मुझे एक साल हो गया है। और इस एक साल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मैं चाहती थी कि मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूं। अगर आप अपनी नई कोई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प हो, और बस क्योंकि आप मेरी फैमिली और मुझे आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करना अच्छा लगेगा। बिना देर गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिन जितना स्पेशल है उतना ही कल का दिन भी था, क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे था। उसके साथ ही साथ क्योंकि लास्ट ईयर पैंडमिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हुई थी। 6 महीने मैं और अदिश्री फैमिली के साथ वहाँ थे, आशीष यहाँ पे थे, तो वो भी एक कैची बड़ी मिक्स फीलिंग थी उस वक्त, क्योंकि अदिश्री अपने पापा के पास नहीं थी, मैं साथ में नहीं थी उनके, तो वो सारी चीज़ें, उन सारी नेगेटिविटी, क्योंकि हर कोई उस वक्त, आई थिंक अब हम थोड़े से ना एडजस्ट हो गए हैं ये सारे माहौल में, लेकिन उस वक्त ये सब कुछ आज से साल भर पहले बहुत 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 मुश्किल लगता था। तो उस तरह से आई थिंक मैं कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट था वो दिन भी, क्योंकि सब कुछ छोड़कर और हम लोग यहाँ आए थे। पिछले एक साल में मैंने जैसे कहा मेरी पूरी दुनिया चेंज हो गई है, इवन मेरा चैनल का कंटेंट चेंज हो गया है, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई है जो मुझे लगता था कि शायद नहीं चेंज होगी। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें करने लगी, क्योंकि बचपन से मैं एक ही शहर में रही हूँ, ना कि मैं ये कहूँ कि मैं एक ही स्टेट में रही हूँ, मैं एक ही शहर में, मैंने अपने 25 साल निकाले और उसके बाद के 5 साल मैंने एक अलग स्टेट में निकाले, तो वो जो पिछले पूरे मेरे 29-30 साल थे वो एक ही जगह, एक ही तरह के लोग और एक ही तरह के कल्चर में रहकर मैंने निकाले। लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ बदला, भाषा चेंज हुई, लैंग्वेज चेंज हुई, खाना बदला। ऑफकोर्स हम घर में सब कुछ बनाते हैं, लेकिन खाना, पानी, हवा, मौसम और लोगों की सोच, थिंकिंग, सब कुछ बदला। कोई भी इंसान जब बाहर निकलता है, ऑफकोर्स हम लोग मेरे हस्बैंड के जॉब की वजह से यहाँ पे, बट कोई भी इंसान जब अपने एक जगह से बाहर निकलता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम में जो चेंज आया, मुझ में जो चेंज आया, अदिश्री में जो चेंज आया, वो बहुत 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 ही ग्रोथ वाला चेंज है। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखी हैं पिछले एक साल में। मैंने लोगों से अच्छा बिहेव करना सीखा है, अच्छा सिटीजन बनना सीखा है, और इतनी खूबसूरत कंट्री जो बिल्कुल इतनी सी है, अगर आप मैप में देखेंगे ना तो नेदरलैंड्स ना आपको एकदम से यूरोप के मैप में नज़र भी नहीं आएगा, एकदम छोटा सा है, और आपको ऐसा लगेगा कि सच में ये मतलब इतना छोटा, और सच में ये इतना छोटा है कि वो दिखता भी नहीं है। पूरे जब आप पूरे दुनिया के मैप में देखेंगे तो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, इवन उसका नाम भी मेंशन नहीं होता। जब कोई बहुत बड़े लेवल पे अगर सारा वर्ल्ड के मैप में दिखाते हैं, हमारा इंडिया कैसे अलग दिखता है, उस पर इंडिया लिखा होता है, यूरोप के नक्शे में नेदरलैंड्स एकदम से, जब तक आप गूगल मैप पे जाकर जूम नहीं करेंगे ना, नेदरलैंड्स नजर भी नहीं आएगा, इतना छोटी, इतनी छोटी जगह है। ऐसी जगह पर रहना और उसके बाद इतने अच्छे एक्सपीरियंस होना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। ये एक साल की जर्नी बहुत ही स्पेशली मेरे कंटेंट को लेकर बहुत खास रही, क्योंकि मेरे चैनल पे
पहले मदर्स जुड़ती थी या पेरेंट्स जुड़ते थे, वुड बी मदर्स थी, कुकिंग से रिलेटेड लोग थे, या वो लोग जिन्हें मेरी पॉजिटिव बातें पसंद थी वो लोग थे जो कि मुझसे इसी तरह जुड़ते जुड़ते मेरे चैनल पर मेरी फैमिली का हिस्सा बने थे चैनल की। लेकिन अब मेरा जो कंटेंट है वो नेदरलैंड बेस्ड हो गया है 40-45%। तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मैसेज करते हैं जो कि या तो नेदरलैंड्स आ रहे हैं या यूरोप की किसी कंट्री में आ रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे ना बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए खुशी देती हैं कि मैं किसी की उस तरह से हेल्प कर पाती हूँ। किसी के छोटे बच्चे हैं वो यहाँ मूव हो रहे हैं इंडिया से, और न केवल इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, सब जगह से मेरे पास मैसेज आते हैं। वो सारे एशियन कंट्रीज जो कि हिंदी समझते हैं, जो लोग जिन्हें मेरा हिंदी का कंटेंट पसंद है, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ की पता चलती है। वो लोग जो कि यहाँ नहीं भी आ रहे हैं लेकिन इंडिया में हैं या पाकिस्तान में या नेपाल में, कहीं भी हैं, जो कि नेदरलैंड्स के बारे में जानना पसंद करते हैं, वो इसका हिस्सा बनते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो एक साल की जर्नी है ये बहुत 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 खास है। ये मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ की जो भाषा है डच, वो भी धीरे धीरे सीखूं, क्योंकि किसी भी जगह पर रहने के लिए वहाँ की भाषा आना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ शब्द, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज होना हर किसी को जहाँ भी वो रह रहा है वहाँ का बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ रहते हुए कभी कोई चीज़ें टफ नहीं लगी लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि लगता है नहीं, बहुत टफ हो रहा है, कुछ चीज़ों से डील कर पाना मुश्किल हो रहा है, यहाँ का मेडिकल सिस्टम अलग है हमारे देश से, यहाँ के रूल्स अलग हैं, यहाँ के ट्रैफिक रूल्स अलग हैं, यहाँ का सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी इस देश ने मुझे अच्छा सिटीजन बनना सिखाया है, जो कि आई थिंक मैं जब इंडिया वापस जाऊँगी तो वहाँ जाकर ज़रूर अप्लाई करूँगी। मैं नहीं जानती कि मैं कब तक यहाँ हूँ, लेकिन मैं ऑफकोर्स मैं अपने देश, अपने लोगों के पास जाऊंगी, और जब मैं वहां जाऊंगी तो यहाँ से ये अच्छी चीजें जरूर लेकर जाऊंगी। आप रूल्स को अगर फॉलो करते हैं, आप अगर सही सिटीजन बन के रहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको किसी और को बदलने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ खुद बदलने की जरूरत है। और वो चीज यहाँ के लोगों में है, वो सिर्फ खुद रूल फॉलो करते हैं। वो अगर खुद रूल फॉलो करते हैं तो चीज़ें अपने आप अच्छी होती हैं। और वो कोई पिक्चर का डायलॉग था ना, आई थिंक रंग दे बसंती मूवी में, कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, वहाँ के लोग उसे परफेक्ट बनाते, इसी टाइप का था। जो रंग दे बसंती के फैन है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो सॉरी, लेकिन इसी तरह का था कि अगर कोई देश परफेक्ट नहीं होता है तो वहाँ के लोग उसे परफेक्ट बनाते, कोई भी देश अपने आप परफेक्ट नहीं बनता। तो वो चीज़ मैंने नेदरलैंड से सीखी। आई थिंक दुनिया में बहुत सारे देश हैं, और जो भी इंडियंस अगर कोई बाहर गए होंगे तो वो भी उस देश के बारे में कहते होंगे, बट मैंने नेदरलैंड्स देखा है पिछले एक साल में, और मेरी नज़रों से और मैं जो फील करती हूँ उससे, और मेरे हिसाब से एक परफेक्ट कंट्री, एक ब्यूटीफुल कंट्री, एक मेंटेन रहने वाली कंट्री आई थिंक मैंने कभी नहीं देखी है ऐसी। सो एकदम बेस्ट है ये। सो ये एक साल बहुत अच्छा रहा। ऑफ कोर्स मैं अपने देश को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को हमेशा हर दिन हर पल याद करती हूँ, और एक इमोशनल और उसका बैलेंस पिछले 7 दिन से चल रहा था, क्योंकि 1 साल हो गया मुझे रहते हुए, और उससे भी बड़ी बात है कि पिछले 1 साल में मैं किसी से नहीं मिली हूँ अपने घर वालों से। बट थैंक यू कि वीडियो कॉल्स हैं, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा दिल को समझाना आसान हो जाता है, आप डेली बात कर लेते हैं। सो यही था ये वीडियो में, मुझे बस कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करनी थी कि विदेश में जब आप रहते हैं, परदेश में जब आप रहते हैं, तो आप क्या फील करते हैं, आप क्या सोचते हैं। और मेरे हिसाब से एक किसी और देश से आकर किसी और देश में रहना, अपने देश का अच्छा एग्जांपल क्रिएट करना, वहाँ की जो चीज़ें उन्हें अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ, और जब तक हम यहाँ हैं हम वही करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सारी अच्छी चीज़ें हमारे देश की अप्लाई कर सके और यहाँ की अच्छी चीज़ें अपने देश ले जा सके। सो यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो में मेरी कई भी बातों से आप रिलेट कर पाएंगे, आपको पसंद आएगी। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जहाँ भी हैं वहाँ की चीज़ों से सीखिए, उन्हें अप्लाई कीजिए, शेयर कीजिए, और हमेशा खुश रहिए।
सो नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।